देखो बच्चों, अब हम आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट बता रहे हैं। ये कंपटीशन में चाहे कोई सी भी कंपटीशन हो, अगर मैथ के क्वेश्चन आए तो इसका एक आध क्वेश्चन जरूर दिया होगा, और बच्चे ये गलत कर देते हैं। तो मैं आज आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक के अनुसार करेंगे तो आपके ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये नवोदय में भी आता है, क्लास फिफ्थ में भी आता है। तो सुनो कौन सी ट्रिक है। ट्रिक देखो, ये यहां लिख रहा हूं, के एन आई जी किंग हेनरी डाइट, ये सेंटेंस याद करना पड़ेगा, डाइट बाई ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। इसमें क्या है, इसमें ये इसलिए सेंट बनी है ट्रेक, इसमें जो हमने लिखे हैं किलोमीटर हेक्टोमीटर डेकामीटर मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, ये सीरियल से है, इसे ये सीरियल से। सुनो ध्यान से, सारे इस सेंटेंस में फर्स्ट कैपिटल लेटर देखेंगे, पहला लेटर देखेंगे के, किंग में आया के, कैसे है यहाँ पर किलोमीटर, किलोमीटर को इंग्लिश में शॉर्ट में ऐसे लिखते किया है, याद करोगे सारे बच्चे। फिर हेनरी में है चार, इसका मतलब है हेक्टोमीटर, क्या चीज है हेक्टोमीटर, समझ में आई। फिर डी, डी से है डेकामीटर, क्या चीज है देखा मीटर, एम बना दिया मैंने देखा मीटर। फिर आया बाई, बाई की जगह दो चीजें होती है, बाई की जगह सॉरी तीन चीजें होती है, बाई बाई की जगह आप तीन चीजें लगा सकते हो, अगर मीटर वाली कर रहे हो तो मीटर आएगी, ये नापने वाली तोलने वाली कर रहे हो तो ग्राम आएगा, और नापने वाली कर रहे हो तो लीटर आएगा। तो हम इस समय कौन सी कर रहे हैं, मीटर वाली नापने वाली, कौन सी कर रहे हैं नापने वाली, इसलिए ये मीटर आएगा, ये हम बता चुके हैं, ये बाद में बताएंगे अभी, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, हाँ आगे यहां तक आ गए। अब ये वाली डी, इस डी से है तुम्हारा, ये तो मीटर हो गया एम, डेसी मीटर देसी मीटर, सी से हो गया सेंटीमीटर, सी एम लिख देते हैं इसे शॉर्ट में, क्या लिख देते हैं सी एम, और एम से हो गया तुम्हारा मिलीमीटर, एम एम मिलीमीटर। मिलीमीटर एम एम लिख देते हैं ज्यादातर, क्या लिख देते हैं एम एम, समझ में आया, दोबारा फिर समझ लो। किंग हेनरी डाइड बाई ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ये सेंटेंस याद करोगे और सब्जेक्ट कैपिटल लेटर से बन गया, लोगों के से किलोमीटर, एच से हेक्टोमीटर, इंग्लिश में लिख दिया मैंने, डी से क्या आ गया देखा मीटर, मीटर फिर आ गया बाई की जगह आ गया नारा पार मीटर, डी से क्या आ गया देसी मीटर, सी से क्या आ गया सेंटीमीटर, एम से क्या आ गया मिलीमीटर। ये अगर सीरियल याद है तो ये जो क्वेश्चन आए कंपटीशन में आ गया, मान लो इस टाइप के क्वेश्चन, तो उनको बहुत आसानी से कर। अभी हमने बताया कि अगर जंप लगाओगे यहां से यहां पर तो किससे गुणा करोगे, ये दिमाग में बिट कर दो, और अगर यहां से यहां लगाओगे किससे गुणा करोगे, दस से गुणा, अगर यहां से यहां लगाओगे किससे गुणा करोगे, अगर यहां से यहां लगाओगे किससे गुणा करोगे, यहां से यहां लगाओगे दस से, यहां से यहां लगाओगे, बस ये दिमाग में फिट रखते, जितनी जंप लगाओगे एक को दस से गुणा करते जाओ, या उस यानी अंक को जो भी बदलवाना चाहे,
यहाँ पर मान लो एक किलोमीटर दिया या दो किलोमीटर भी ले सकता था, कितना दे सकता था? दो किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? तो दो से गुणा करते, या एक दिए तो दिए वो दिए हुए अंक को एक से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? देखो पहला सवाल कैसे करेंगे, एक किलोमीटर कितने हेक्टोमीटर के बराबर होता है? किलोमीटर कहाँ है? यह है, और बदलवा किसमें लिया? हेक्टोमीटर में। कितने स्थान जंप लगा लिया है? एक स्थान। कितने लगा लिया? तो एक स्थान जंप लगाएगा तो किससे गुणा करेंगे? एक को किससे करेंगे? दस से। अरे नहीं आई समझ में? दस से करेंगे तो दस ही तो आएगा। अगर यहाँ एक की जगह दिया होता पांच दिया होता, कितना दिया था? पांच किलोमीटर को बदलो, इसमें क्या था? वो हेक्टोमीटर में। तो क्या करते? पांच को किससे गुणा करते? दस से। पचास होता, कितना होता भैया? कितना होगा? दस। इसके समझ में आएगी वाली बात, इसे मिटाओ। अब आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक किलोमीटर में डेकामीटर कितने होते हैं? देखो एक किलोमीटर तो यहाँ लिखा है, लाना किसमें? डेकामीटर में। कितने स्थान जंप लगा रहे हैं? दो स्थान। तो एक को किससे गुणा करेंगे? दस गुणा दस, कितना हो गए? सौ। सौ एक किलोमीटर में होते हैं, सौ। समझ में आ रहा? सब क्या आ रहा? अच्छा तो अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, एक किलोमीटर, ये अक्सर सारे बच्चे सब समझते भी होंगे, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? यहां से देखो, किलोमीटर यहाँ पर है, मीटर यहाँ है, कितने स्थान जंप लगा रहे हो? तीन। दस गुणा दस गुणा दस, कितने हो गए? एक हजार। एक किलोमीटर में कितने होते हैं? एक हजार मीटर। बोलो किसके समझ में आ गया? बहुत आसान है इस मेथड से। आगे अब कह रहे हैं एक मीटर में कितने डेका मीटर होते हैं, उल्टे चलेंगे। एक मीटर में जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो दस से क्या करेंगे बच्चों? भाग। ऊपर से नीचे आएंगे गुणा करेंगे, किससे? दस से। ये दिमाग को फिट करना। अब आओ एक मीडियम मीटर, मीटर यहाँ है, एक मीटर में डेका मीटर पूछा, डेका मीटर कहाँ है? क्या स्थान ऊपर है? एक। क्या स्थान ऊपर है? एक। तो एक को दस से भाग करेंगे तो एक बटे दस हो गया, एक मीटर बराबर एक बटे दस डेका मीटर। आगे एक मीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? देखो मीटर जो है, हेक्टोमीटर जो है, क्या स्थान जा रहा है? एक दो, दो।, दो। इससे गुणा करेंगे, दस गुणा सौ होगा, एक बटे सौ। ये उल्टे चल रहे हैं, जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो भाग कर रहे हैं, हम एक बटे भी लिख रहे हैं। अब यह एक मीटर, एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? देखो एक दो तीन, तीन स्थान पर भाग रहे हो तो क्या करोगे? दस गुणा दस गुणा दस बराबर हो जाएगा एक बटे एक हजार। किस किसके समझ में आया? अब कोई से पूछ रहे हो इसमें, किसी को किसी में बदल दो। अगर पेपर में आ जाए और भी हम बता रहे हैं इसके अलावा, अगर पेपर में आ जाए क्या आ जाए? एक मिलीमीटर, मिलीमीटर में किलोमीटर बताओ, एक किलोमीटर में कैसे निकालोगे? पेपर में आ गया, कंपटीशन में आ गया, कैसे करोगे? तो देखो मिलीमीटर यहाँ पर रखा हुआ है सबसे नीचे, बदलना किसमें है? सबसे ऊपर। किसे बदलना? तो गिनो एक दो तीन चार पांच छह, कितने स्थान पर गए? कितने स्थान पर गए? एक बटे दस गुणा दस गुणा दस गुणा दस गुणा दस, एक दो तीन चार पांच, एक बार गुणा दस। तो एक के आगे कितने जीरो लगाओगे? एक दो तीन चार पांच छह बराबर हो गया एक बटे एक दो तीन चार पांच छह किलोमीटर। बोलो किसके समझ में आया? आया
इसी तरीके से यहां से लेकर इसमें बदले हैं हम ऊपर से नीचे। ये तभी याद रहेगा ऊपर से नीचे जब ये सेंटेंस याद होगा। ये दिमाग में होना चाहिए कि कहां पर मिलीमीटर लिखा जाएगा कहां डेसीमीटर लिखा जाएगा। अगर याद नहीं है तो ये तुमने यहां कर दिया सीरियल बिगड़ जाएगा फिर नहीं कर पाओ। चलो क्या कभी जिंदगी में नहीं कर पाओ। अब मान लो यहां तक है एक मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं ये आ गया पेपर में। एक एमएम में कितने मीटर होते हैं क्या करोगे बताओ क्या स्थान करना पड़ेगा। एक दो तीन तीन स्थान तो एक बटे बच्चों दस गुणा गुणा कितना हो गया एक बटे एक हजार मीटर। सब किस थैंक यू वेरी मच।